हेलो गाइस, हमारे चैनल में आपका स्वागत है और आज की क्लास में भी आपका स्वागत है। टीचिंग की वैकेंसीज़ अब आनी शुरू हो गई हैं और आप उसके लिए प्रिपरेशन शुरू कर दीजिए। बहुत लंबे समय के बाद वैकेंसीज़ आनी शुरू हुई हैं और अब लगातार वैकेंसीज़ जो हैं आएंगी और एग्ज़ाम्स आपके लगातार होंगे, NVS, KVS, स्टेट, डिफरेंट स्टेट्स, तो ये सारे एग्ज़ाम्स अब गाइज अब होने वाले हैं। तो बेटर है आप अपनी तैयारी को ध्यान दे दीजिए और तैयारी शुरू कीजिए, रिविज़न शुरू कीजिए, प्रैक्टिस शुरू कीजिए। इसी क्रम में आज हम लेकर के आए हैं बैक्टीरिया, माइक्रोबायोलॉजी का पोर्शन है ये बैक्टीरिया। ओके, तो आप जैसा देख रहे होंगे टॉपिक में मैंने लिखा हुआ है बैक्टीरिया एट अ ग्लांस। तो बैक्टीरिया के बारे में डिस्कस जितने भी इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स हैं, जितने भी इसके बारे में बातें हैं, जिसको शॉर्ट में हम जो कि इम्पॉर्टेंट बातें हैं गाइज, माइक्रोबायोलॉजी का टॉपिक इतना बड़ा है कि अगर हम चाहेंगे तो उसको एक महीने का लेक्चर जाएगा। लेकिन बैक्टीरियोलॉजी से जहाँ जहाँ से क्वेश्चन आते हैं वो सारे इंपॉर्टेंट चीज़ ही हम डिस्कस करेंगे, जो फालतू की चीज़ें हैं उनको डिस्कस नहीं करेंगे, हमारे पास टाइम कम है। तो आज आप देख रहे हैं बैक्टीरिया एट अ ग्लांस, जिसके बारे में बातें अब होंगी। ओके, तो स्टडी ऑफ बैक्टीरिया इज कॉल्ड बैक्टीरियोलॉजी। स्टडी ऑफ बैक्टीरिया को क्या कहते हैं? बैक्टीरियोलॉजी। ये जो टर्म है बैक्टीरियोलॉजी कहाँ से आया है? ये ग्रीक वर्ड से आया है जिसका मतलब होता है लिटिल रॉड। बैक्टीरिया का मतलब होता है लिटिल रॉड। एक्चुअली क्या था उस टाइम पे जब बिगिनिंग हुई थी, तो फर्स्ट इन्होंने जो देखा होगा वो देखा होगा बैसिलस बैक्टीरिया को, जो कि रॉड शेप बैक्टीरिया होता है। तो इसीलिए उन्होंने उस टाइम पे बैक्टीरिया उसका नाम दिया, जो कि जिसका मतलब होता है लिटिल रॉड। बाद में इन्होंने देखा कि नहीं, बैक्टीरिया के और भी शेप्स हैं, कॉमा शेप बैक्टीरिया है, स्फेरिकल बैक्टीरिया है। तो ठीक है, उन्होंने उस टाइम फर्स्ट टाइम देखा होगा रॉड शेप बैक्टीरिया, तो उन्होंने उस नाम दे दिया लिटिल रॉड। नेक्स्ट है द टर्म बैक्टीरिया वॉज कॉइंड बाय, वेरी इंपॉर्टेंट, द टर्म बैक्टीरिया वॉज कॉइंड बाय एहरनबर्ग। ये साइंटिस्ट है एहरनबर्ग, इन्होंने बैक्टीरिया टर्म दिया। गाइज, क्वेश्चन आते हैं अब टर्मिनोलॉजी को लेकर के, क्वेश्चन इस टर्म को किसने दिया, इस बुक को किसने लिखा, ठीक है? तो ये सब क्वेश्चन अभी देखे जा रहे हैं, इसीलिए टर्म पे हम बहुत ज़्यादा फोकस करते हैं कि टर्म को किसने दिया। तो बैक्टीरिया टर्म को देने वाले साइंटिस्ट का नाम था एहरनबर्ग। अब आ जाते हैं नेक्स्ट साइंटिस्ट की, हु डिस्कवर्ड बैक्टीरिया। एंटोन वॉन लीवेनहॉक ने बैक्टीरिया को डिस्कवर किया था। लीवेनहॉक वॉज अ साइंटिस्ट हु डिस्कवर्ड बैक्टीरिया, ठीक है? इन्होंने एक बुक लिखी थी सीक्रेट ऑफ नेचर। क्वेश्चन आता है अगर दिस बुक सीक्रेट ऑफ नेचर वॉज रिटन बाय, तो आप ऑप्शन में, आप आंसर में डालेंगे लीवेनहॉक का नाम। सीक्रेट ऑफ नेचर किसने लिखा था? लीवेनहॉक ने लिखा था। लीवेनहॉक को फादर ऑफ माइक्रोबायोलॉजी और फादर ऑफ बैक्टीरियोलॉजी भी कहा जाता है। तो हु इज फादर ऑफ माइक्रोबायोलॉजी एंड हु इज फादर ऑफ बैक्टीरियोलॉजी, ये नेक्स्ट टू क्वेश्चन हैं आपके गाइज। हु इज फादर ऑफ बैक्टीरियोलॉजी एंड हु इज फादर ऑफ माइक्रोबायोलॉजी। लीवेनहॉक वॉज फादर ऑफ माइक्रोबायोलॉजी, फादर ऑफ बैक्टीरियोलॉजी एंड डिस्कवर्ड बैक्टीरिया। देखिए, थोड़ा सा ट्विस्ट है, अगर क्वेश्चन आ जाता है फादर ऑफ मॉडर्न माइक्रोबायोलॉजी, मॉडर्न जहां मॉडर्न टर्म जुड़ गया, फादर ऑफ मॉडर्न बैक्टीरियोलॉजी, तब साइंटिस्ट चेंज हो जाएंगे, तब साइंटिस्ट हो जाएंगे लुईस पाश्चर। ये लुईस पाश्चर थे जिनको कहा जाता है मॉडर्न बैक्टीरियोलॉजी एंड मॉडर्न माइक्रोबायोलॉजी का फादर, ठीक है? लुईस पाश्चर की जहां बात आती है तो पाश्चराइजेशन टर्म दिमाग में आता है। पाश्चराइजेशन क्या है? दूध का पाश्चराइजेशन, है ना? तो पाश्चराइजेशन टर्म होता है जिसमें किसी भी चीज़ को हम बैक्टीरिया या से फ्री बनाते हैं, किसी भी माइक्रोब्स फ्री बनाते हैं, ठीक है? तो ये पाश्चराइजेशन की टेक्निक दो तरह की होती है। एक टेक्निक होती है जिसमें कि ये हम 71 डिग्री सेल्सियस, मतलब टेम्परेचर हमारा हाई है और लेकिन ड्यूरेशन बहुत कम है, 15 to 30 seconds, हाई टेम्परेचर बट शॉर्ट टाइम, हाई टेम्परेचर शॉर्ट टाइम। 71.6 डिग्री टेम्परेचर है जो कि सिर्फ 15 to 30 seconds के लिए किया जाता है। दूसरा टेक्निक है कि टेम्परेचर लो होता है, ठीक है, जैसे 62 डिग्री सेल्सियस, और टाइम ड्यूरेशन भी लॉन्ग हो जाता है, टाइम ड्यूरेशन लंबा हो जाता है, 30 मिनट के लिए हम उसको गर्म करते हैं। तो ये आपका है कि शॉर्ट ड्यूरेशन, शॉर्ट टाइम, लार्ज टेम्परेचर शॉर्ट टाइम, और यह है आपका शॉर्ट
स्मॉल टेम्परेचर बट लॉन्ग टाइम, ठीक है। तो इस प्रकार का पास्चराइजेशन का टेक्निक होता है। अब आते हैं रॉबर्ट कोच के बारे में। रॉबर्ट कोच वो साइंटिस्ट थे जिन्होंने पहली बार बैक्टीरिया को कल्चर किया। फर्स्ट टाइम ही कल्चर्ड बैक्टीरिया, बैक्टीरिया को कल्चर करना मतलब आर्टिफिशियल मीडियम में उसको ग्रो करना। तो रॉबर्ट कोच वो साइंटिस्ट थे जिन्होंने फर्स्ट टाइम बैक्टीरिया को कल्चर किया। एंड ही इज कॉल्ड फादर ऑफ माइक्रोबियल टेक्निक, क्योंकि कल्चर जो है वो माइक्रोबियल टेक्निक का ही पार्ट है। तो फादर ऑफ माइक्रोबियल टेक्निक कौन है? रॉबर्ट कोच। इन्होंने एक और बहुत इंपॉर्टेंट बात बताई, जर्म थ्योरी ऑफ डिजीज, किसी भी डिजीज का, किसी भी पैथोजन का डिजीज के साथ में, इन्फेक्शस डिजीज के साथ में क्या रिलेशन है, ये रिलेशन को इन्होंने ही एस्टेब्लिश किया था, ठीक है। तो जर्म थ्योरी ऑफ डिजीज वॉज गिवन बाय रॉबर्ट कोच। फर्स्ट टाइम कल्चर ऑफ बैक्टीरिया वॉज डन बाय रॉबर्ट कोच। तो जर्म थ्योरी ऑफ डिजीज ये VVI है, इम्पॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन पूछा जाता है जर्म थ्योरी ऑफ डिजीज से। तो रॉबर्ट कोच का नाम याद रखिएगा, लिवनहॉक का नाम याद रखिएगा, लुइस पास्चर का नाम याद रखिएगा, और अभी बहुत सारे साइंटिस्ट हैं और बहुत सारी चीज़ें हैं जिनको याद रखना है। गाइज, अब बात करते हैं हम लोग लार्जेस्ट बैक्टीरिया की। कौन सी बैक्टीरिया है जो कि लार्जेस्ट है? देखिए, थायो मार्गरेटा नामीबियंस, ये जो बैक्टीरिया है ये लार्जेस्ट बैक्टीरिया है। अभी रिसेंट की ये है डेटा, इसके अकॉर्डिंगली हम कह रहे हैं कि थायो मार्गरेटा नामीबियंस। देखिए, नामीबिया, नामीबिया से याद रखिएगा, नामीबिया है साउथ अफ्रीकन कंट्री है, जो जहाँ पे लोग जो होते हैं लंबे लंबे होते हैं, तो ये जो रहता है वही नामीबिया से ही याद रखिएगा कि वो जो लार्जेस्ट बैक्टीरिया है वो थायो मार्गरेटा नामीबियंस है। अगर क्वेश्चन आता है, देखिए पहले के कुछ जगहों में आपको मिल जाएगा बेगियोटा मिराबिलिस, अगर बेगियोटा मिराबिलिस ऑप्शन में है और थायो मार्गरेटा नामीबियंस नहीं है तो बेगियोटा भी आप डाल सकते हैं। ये पहले कहीं पुराने जगहों में लिखा हुआ था बेगियोटा मिराबिलिस, तो अगर बेगियोटा मिराबिलिस है तो आप बेगियोटा मिराबिलिस का भी नाम आप डाल सकते हैं। गाइज, अब आ जाएगा आपका स्मॉलेस्ट बैक्टीरिया। स्मॉलेस्ट बैक्टीरिया ये स्मॉलेस्ट मोनेरा, ये आपका है डायलिस्टर न्यूमोनो साइनेटिस। डायलिस्टर न्यूमोनो साइनेटिस जो है ये आपका स्मॉलेस्ट बैक्टीरिया है। स्मॉलेस्ट लिविंग ऑर्गेनिज्म अगर क्वेश्चन है तो वो PPLO माइकोप्लाज्मा, लेकिन स्मॉलेस्ट बैक्टीरिया कौन है आपका? स्मॉलेस्ट बैक्टीरिया है डायलिस्टर न्यूमोन साइंटिस। ओके, तो ये आप ये दोनों लार्जेस्ट और स्मॉलेस्ट बैक्टीरिया का नाम याद रखिएगा। अब आ जाते हैं गाइज शेप्स ऑफ बैक्टीरिया में। देखिए, बैक्टीरिया को मेजर हम चार शेप्स में बांटते हैं। पहला है कोकाई, जो कि स्फेरिकल शेप्ड बैक्टीरिया है, इनको हम कहते हैं कोकाई। कोकाई में मोनोकोकस अगर एक स्फेयर है तो मोनोकोकस, डिप्लो अगर दो स्फेयर्स हैं तो डिप्लोकोकस, टेट्रा अगर चार स्फेयर्स हैं तो टेट्रा, और सार्सिनी, ये याद रखिएगा गाइस बहुत इंपॉर्टेंट है, सार्सिनी कोकस, ये जो होता है एक क्यूब होता है जिसमें 8 से 64 स्फेरिकल बैक्टीरिया क्यूब के फॉर्म में अरेंज होते हैं, तो वो सार्सिनी कोकस होता है। फिर आता है स्ट्रेप्टो, तो स्ट्रेप्टो जहाँ रहेगा वहाँ पे चेन, स्ट्रेप्टो मतलब चेन, तो बहुत सारा कोकस बैक्टीरिया जब चेन के फॉर्म में अरेंज रहता है तो वो स्ट्रेप्टोकोकस बैक्टीरिया होता है। फिर है आपका स्टैफिलोकोकस, ये स्टैफिलोकोकस जब बहुत सारे कोकस बैक्टीरिया जब ये बंच ऑफ ग्रेप्स के फॉर्म में अरेंज रहते हैं तो हो गया ये स्टैफिलोकोकस, ठीक है। तो इस तरह से हम देख सकते हैं कि कोकस को हम मोनोकोकस, डिप्लोकोकस, टेट्राकोकस, सार्सिनी, स्ट्रेप्टोकोकस और स्टैफिलोकोकस में बांट सकते हैं। अब आते हैं बैसिलस बैक्टीरिया का मतलब रॉड शेप्ड बैक्टीरिया जो होगा
वो आपका हो जाएगा बैसिलस बैक्टीरिया। अब देखिए मोनोबैसिलस मतलब एक रॉड रहेगा तो वो मोनोबैसिलस, अगर दो रॉड रहेगा तो वो डिप्लोबैसिलस। स्ट्रेप्टोबैसिलस मतलब चेन ऑफ रॉड्स, बहुत सारे रॉड्स जो हैं रॉड शेप्ड बैक्टीरिया अगर एक साथ चेन के फॉर्म में जुड़े हैं, तो अभी मैंने जैसे स्ट्रेप्टोकोकस में बताया था तो ये हो जाएगा स्ट्रेप्टोबैसिलस। इसमें एग्जांपल आता है बैसिलस एंथ्रासिस, ठीक है, एंथ्रेक्स रोग कराने वाला बैक्टीरिया बैसिलस एंथ्रासिस, ये एक स्ट्रेप्टोबैसिलस बैक्टीरिया है। अब देखिए एक फॉर्म है पैलिसेड बैसिलस, जैसे हम पढ़ते हैं पैलिसेड पैरेन्काइमा, उसी तरह ये है पैलिसेड बैसिलस, जिसमें जो बैसिलस बैक्टीरिया हैं वो स्टैक के फॉर्म में अरेंज रहेंगे, एक के ऊपर एक बैसिलस बैक्टीरिया एक के ऊपर एक जो है वो अरेंज रहेंगे, और इस प्रकार से जो है ये इनका अरेंजमेंट रहेगा, और इसको हम कहेंगे ये हो गया आपका ये पैलिसेड बैक्टीरिया। ये देखिए इसमें एग्जांपल है कॉरिनी बैक्टीरियम डिप्थरी, पैलिसेड का एग्जांपल है कॉरिनी बैक्टीरियम डिप्थरी, जो डिप्थरिया डिजीज कॉज करने वाला बैक्टीरिया है कॉरिनी बैक्टीरियम डिप्थरी। क्वेश्चन आ सकता है कि कॉरिनी बैक्टीरियम डिप्थरी इज या विच अमंग द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ पैलिसेड बैसिलस, और उसमें चार ऑप्शन दिया रहेगा, उसमें एक ऑप्शन में आपका रहेगा कॉरिनी बैक्टीरियम डिप्थरी, तो हम लोग उसमें लगा देंगे कि वो बैसिलस बैक्टीरिया है। फिर अगला फॉर्म आता है आपका स्पाइरल शेप बैक्टीरिया, जिस बैक्टीरिया का शेप जो है वो स्पाइरल होता है वो हो गया आपका स्पाइरल शेप बैक्टीरिया। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है ट्रिपेनेमा पैलिडियम, ठीक है, ट्रिपोनेमा पैलिडियम, ये जो होता है बीमारी होता है साइफिलिस, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज है, वो कराने वाला है ट्रिपेनेमा पैलिडियम, तो वो इसका कॉजिटिव एजेंट है जो कि एक स्पाइरल बैक्टीरिया है। अब आते हैं विब्रियो, विब्रियो जो है वो कॉमा शेप बैक्टीरिया है, ये कॉमा शेप बैक्टीरिया है विब्रियो, और इसमें इसका एग्जाम्पल आता है विब्रियो कॉलरी, कॉलेरा डिजीज करने वाला बैक्टीरिया विब्रियो कॉलरी। तो इस प्रकार हम देख सकते हैं कि शेप्स ऑफ बैक्टीरिया कितने प्रकार के शेप्स हैं, चार शेप्स हैं, कोकाई बैसिलाई स्पाइरल और विब्रियो, और उसमें एग्जांपल्स भी हम लोगों ने देख लिया है। गाइज अब हम देख रहे हैं क्लासिफिकेशन ऑफ बैक्टीरिया ऑन द बेसिस ऑफ फ्लैजिला। फ्लैजिला उनका लोकोमोटरी ऑर्गेनल है गाइज, और इसके बेसिस पे हम लोग देखेंगे कि बैक्टीरिया को किस किस कैसे कैसे डिवाइड किया गया है। तो पहला है ए ट्राइकस बैक्टीरिया, ए ट्राइकस मतलब इसके पास कोई फ्लैजेला नहीं होता है, तो वो हो गया आपका ए ट्राइकस बैक्टीरिया जिसमें फ्लैजेला एब्सेंट है। उसमें आपका आएगा पास्चियोरेला पेस्टिस या फिर इसको कहते हैं यर्सिनिया पेस्टिस, पास्चियोरेला पेस्टिस या फिर अर्सिनिया पेस्टिस, ये प्लेग पॉजिटिव ऑर्गेनिज्म है, तो ये हो गया आपका ए ट्राइकस बैक्टीरिया। दूसरा है मोनोट्राइकस मतलब बॉडी में एक फ्लैजेला होगा, तो मोनोट्राइकस फ्लैजेला, इसमें आपका आता विब्रियो, अभी हमने विब्रियो का डायग्राम ड्रॉ किया था गाइज, इस तरह से कॉमा शेप्ड बैक्टीरिया और उसका एक फ्लैजेला होता है, तो हो गया मोनोट्राइकस बैक्टीरिया। विब्रियो कॉलेरा, विब्रियो जो होता है वो कॉलेरा कॉज करने वाला माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, और स्यूडोमोनास भी इसी कैटेगरी में आएगा, स्यूडोमोनास। फिर आता है एम्फीट्राइकस जिसका एक 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 फ्लैजेला बैक्टीरिया के दोनों एंड पे होगा, ये देखिए, तो इसको कहते हैं एम्फीट्राइकस, और इसमें आएगा आपका नाइट्रोजोमोनास। फिर हम देख रहे हैं लोफोट्राइकस, लोफोट्राइकस का मतलब होता है एम्फी, देखिए सिंगल फ्लैजेला ऑन बोथ एंड ऑफ द बॉडी, लेकिन लोफोट्राइकस और टफ्ट ऑफ फ्लैजेला ऑन बोथ एंड ऑफ द बॉडी, ये देखिए टफ्ट ऑफ फ्लैजेला है जो कि बॉडी के दोनों एंड में आपको देखने के लिए मिलेगा, और ये देखिए इसका एग्जाम्पल है ट्रिपोनेमा पैलिडम। अभी ट्रिपोनेमा पैलिडम हमने अभी जस्ट पढ़ा है, कहाँ पे, साइफिलिस है ना, साइफिलिस जो होता है इसमें, उसमें ये कॉजिटिव एजेंट है ट्रिपोनेमा पैलिडम। और नेक्स्ट है सिफेलोट्राइकस, सिफेलोट्राइकस जो होता है बॉडी के एक एंड पे, जिसको हम सिफेलिक एंड मान ले रहे हैं, उसमें एक एंड पे टफ्ट ऑफ फ्लैजेला प्रेजेंट होगा, ये हो गया आपका सिफेलोट्राइकस। और पेरिट्राइकस में हो गया, पेरिट्राइकस मतलब बॉडी, पूरी बॉडी में फ्लैजेला प्रेजेंट होगा, ये हो गया आपका पेरिट्राइकस। इसमें दो एग्जाम्पल है, एक है साल्मोनेला टाइफी टाइफॉइड कॉजिटिव एजेंट, और ई कोलाई एस्चेरिचिया कोलाई, ये जो है ये दो बैक्टीरिया जो हैं इसमें
पेरिट्राइकस की कैटेगरी में आते हैं गाइस। अब इसके आगे के क्लास में हम लोग बैक्टीरिया के और भी जो एस्पेक्ट्स हैं उसके बारे में पढ़ेंगे गाइस। वीडियो आपको अच्छा लग रहा है, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें गाइस। ये जो बैक्टीरिया आपके हर कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में आएगा और हर कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए इंपॉर्टेंट है, चाहे वो टीचिंग का एग्ज़ाम हो, नीट का एग्ज़ाम हो, बायोलॉजी से रिलेटेड कोई भी एग्ज़ाम हो, और जनरल भी जो भी एग्ज़ाम्स होते हैं उसमें भी अगर साइंस के क्वेश्चन आते हैं तो बैक्टीरिया से क्वेश्चन पूछे जाते हैं गाइस। तो ये सारी चीज़ों में ये लेक्चर आपके लिए हेल्पफुल है। तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें और वीडियो आगे की वीडियो देखते रहें। थैंक यू।